धार्मिक चीजें बड़ी उटपटांग होती है, हर चीज में धार्मिक चीजें घुसेड़ देते हैं कि कितने अजीब लोग हैं वहां। शेख हसीना से प्रॉब्लम हो सकता है, शेख मुजीबुर रहमान का पुतला गिरा दिया, शेख हसीना भी कम थोड़े हैं। शेख हसीना को स्पष्ट आज से 6 महीना पहले बताया गया था कि जिस सेनापति को आप बना रही हैं ये बहनोई है, तो उससे क्या मतलब है, रिश्तेदार को सेनापति मत बनाइए, विद्रोह कर सकता है, लेकिन ये 2 सीनियर सेनापति को बाईपास करके अपन रिश्तेदार को बनाएंगे सेनापति। जा बन गया रिश्तेदार, आप कौन जी करेगा मोए मोए। अभी बांग्लादेश डिस्टर्ब हो गया, ये मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब है, यूक्रेन रूस पूरा डिस्टर्ब है, इसी का फायदा उठा के चाइना ताइवान को मत निपटा दे, पूरी दुनिया उधर बिजी रहो, चाइना निपटा देगा किसको, ताइवान। अमेरिका ने वहां पे सैन्य तख्ता पलट करा दिया है, कमजोर समझते हैं लोग अमेरिका वगैरह को, सैन्य बहुत पहले उसने नहीं दिया था, जा सकती है वापस, लेकिन नहीं, हर इंसान एक बार सोचता है कि कितने अजीब लोग हैं वहां पे। शेख हसीना से प्रॉब्लम हो सकता है, शेख मुजीबुर रहमान का पुतला गिरा दिया, ये पाकिस्तान वाले ना, ये पाकिस्तान वाले, इन बंगालियों को ना बंगाली बोलता था सब बांग्लादेश में, यहाँ पे इतना अत्याचार किया था सर, लेकिन फिर भी हर चीज में धार्मिक चीजें घुसेड़ देते हैं सब। इंडियन आर्मी को देखते हो धार्मिक चीज बोलती है, सीधे बोलेगा कि भारत के ऊपर जो भी नजर उठाएगा हम उसको जवाब देंगे, और ऐसा नहीं बोले, ये नहीं कहेगा कि राम जी भी हमारा साथ देंगे, राम जी पाकिस्तान को लड़ने के लिए उनको बोला नहीं क्या जरूरत है, ये राम जी हनुमान जी आएंगे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, सबको तो हम ही लोग निपटा देंगे, बड़ बड़ काम के लिए ना वो लोग आते हैं, लोग कभी सुने वैसे, वो सब सीधे कोनो मामले में ना धार्मिक चीज घुसेड़ देगा। बांग्लादेश गया, बट हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बांग्लादेश से हसीना कराना अच्छा था। चलिए अब